नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। संक्रमण में तेजी को देखते हुए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है, तो एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने यह कहकर स्तब्ध कर दिया है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम उनकी पार्टी यानी एनसीपी का ही होगा। वही महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। उम्मीदवारों की जीत का दारोमदार अब निर्दलीय विधायकों पर आ गया है। इस बीच एक और बड़ी परेशानी सामने बनी हुई है। दरअसल पिछले 3 साल में मुंबई में 5000 सीसीटीवी नहीं लग पाए, जिसके कारण मॉनसून के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद इस बार भी नहीं बची है। तो उधर मौसम विभाग के अनुसार इस साल महाराष्ट्र में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। हालांकि पिछले कुछ सालों में मॉनसून का पैटर्न बदला है, इसलिए शत प्रतिशत भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बीते कुछ दिनों में तेजी को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप व्यास ने जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने सहित कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों, बसों, सिनेमाघरों, सभागारों, कार्यालयों, अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों और दूसरे सभी सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाना जरूरी होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट दिखी जा रही थी, लेकिन हाल के दिनों में कोविड मामले धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। 3 महीने के बाद पहली बार 1 जून 2022 को दैनिक मामले 1000 को पार कर गए हैं। खासतौर से मुंबई और ठाणे में कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहने और सभी नियमों का पालन करें, ताकि राज्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति न आए। साथ ही जो कोरोना टीका नहीं लगाया है वो अपना टीकाकरण जरूर करवाए। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार शुरू से ही हिचकोले खाती रही है। खुद महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में भी आपसी सामंजस्य की कमी अक्सर सामने आती रहती है। तीनों ही दल एक दूसरे पर छींटाकशी का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी सरकार का कार्यकाल पूरा होने में 2 साल का समय है, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब तक शिवसेना के नेता संजय राउत कहते रहे हैं कि अगले 25 साल तक शिवसेना का ही सीएम रहेगा। वहीं कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाने की बात कही है। अब इस कड़ी में एनसीपी भी जुड़ गई है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम उनकी पार्टी यानी एनसीपी का होगा। इन नेताओं के बयान के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाविकास आघाड़ी सरकार में चल क्या रहा है। इसके पहले सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि एनसीपी के सीएम बनने के बाद तुलजा भवानी के दर्शन करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएगी। आपको बता दें कि तीनों ही दलों में सीएम पद के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था। यह तय हुआ था कि सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान उद्धव ठाकरे ही सीएम बने रहेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी दल होने की वजह से बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर रहती है। बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती रहती है कि यह 3 पहियों की सरकार है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव के लिए बीते 22 सालों में मतदान नहीं हुआ था। हालांकि इस बार मतदान कराने की नौबत आ चुकी है। यह पूरा गणित बीजेपी द्वारा 7वें उम्मीदवार के उतारे जाने के बाद बना है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ही यह ऐलान किया था कि उनकी पार्टी के 3 नेता राज्यसभा में थे। इस बार भी 3 लोगों को राज्यसभा में भेजा जाएगा, इसलिए किसी को भी नामांकन वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन शुक्रवार था, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से किसी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है। ऐसे में अब यह चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। इन सभी उम्मीदवारों की जीत का दारोमदार अब महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायकों पर है। बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल बोंडे और धनंजय महाड़िक को अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें पीयूष गोयल इसके पहले भी राज्यसभा के सदस्य थे। वही शिवसेना की तरफ से संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा गया है, जबकि एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल का राज्यसभा जाना तय है। वही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है।
महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है, लेकिन यह बात भी शीशे की तरह साफ है कि जीत उसी पार्टी और उम्मीदवार को मिलेगी जिसके साथ निर्दलीय विधायकों का वोट होगा। पिछले 3 साल में भी मुंबई में 5000 सीसीटीवी नहीं लग पाए, जिसके कारण मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं बची है। भारी बारिश के समय जलजमाव, पेड़ गिरने, पानी भरने, मेनहोल के ढक्कन खुलने जैसी घटनाओं को बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी और कर्मचारी देख सके और इसका निवारण कर सके, इसीलिए मुंबई में फेज 2 के तहत 5000 सीसीटीवी लगाने की योजना थी। फेज 1 के तहत 5360 कैमरे 2019 में ही लग गए थे, लेकिन फेज 2 के तहत मुंबई में सीसीटीवी नहीं लग पाए। ये सीसीटीवी बीएमसी कंट्रोल रूम मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में लगाए जाने हैं। इनके लगने से फ्लड एरिया, जल जमाव और अन्य जानकारी सीधे कंट्रोल रूम को मिल जाएगी। 22 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए खुदाई पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सीसीटीवी के फेज 1 के लिए तब ट्रेंचेज भरने के लिए राज्य सरकार ने सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी को 300 करोड़ रुपए दिए थे। सेकंड फेज के लिए राज्य सरकार ने ट्रेंचेज भरने का भार बीएमसी पर डाल दिया। सरकार ने पुणे मनपा का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रेंचेज भरने की जिम्मेदारी बीएमसी को उठानी पड़ेगी। इसे बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने अप्रैल 2022 में मंजूरी दे दी है। अब कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो फेज में मुंबई में 10,000 सीसीटीवी लगाने की मंजूरी दी थी। 2019 में सरकार बदल गई, उसके बाद सरकार और बीएमसी 2022 तक दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गई। मुंबई में मानसून की तारीख 10 जून मानी जाती है। कोकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में मानसून आने ही वाला है। हालांकि विदर्भ में हीट वेव की आशंका है। मुंबई और आसपास बूंदाबूंदी हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश कहा जा रहा है। इस साल बारिश सामान्य रहने का अनुमान है, हालांकि पिछले कुछ सालों में मानसून का पैटर्न बदला है। ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह के प्रदूषण से मुंबई ही नहीं, दुनिया भर को कभी तेज गर्मी, कभी बेमौसम बारिश तो कभी बेतहाशा ठंड या बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। इस मानसून राहत यह रहेगी कि एक दिन में हैवी रेन का कॉल अलर्ट नहीं है। जानकारों की माने तो पिछले कुछ वर्ष में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है। पहले सामान्य बारिश होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल में एक ही दिन में या कुछ ही घंटे में ज़्यादा बारिश हो जाती है। अब मध्यम व रुक रुक के बारिश नहीं होती, कुछ ही घंटे में काफ़ी तेज बारिश हो जाती है। बरसात को लेकर यह बदलाव मुंबई ही नहीं पूरी दुनिया में हुआ है, इससे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इस बार ऐसा कोई अलर्ट नहीं है, इसलिए सामान्य बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई के कुछ हिस्से अपने आप गर्म हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। रेनफॉल के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, बरसात का पानी जमीन में नहीं जा पा रहा है। शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है और ग्रीनरी में कमी हो रही है। हम बैलेंस बना के रखेंगे तभी सब कुछ संतुलित रहेगा। बीएमसी ने भी क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है, इसे रोकने के लिए आम लोगों को भी भागीदारी निभानी होगी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की चिंता कम होती नहीं दिख रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव 2022 के पहले 11 राज्यों के पार्टी लाइनों के 41 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूरे पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वही हैदराबाद की नाबालिग लड़की से रेप मामले में पुलिस ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी सादुद्दीन मलिक को कल ही गिरफ्तार किया गया था। इस बीच मदुरे में एक 34 वर्षीय व्यक्ति 11 फीट गड्ढे में गिर गया। उसे निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप का खोदा जा रहा था, लेकिन गलती से उसकी गर्दन कट गई और वो मर गया। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की चिंता कम होती नहीं दिख रही है। एक मंत्री सहित कम से कम 6 विधायकों ने पार्टी के उस आदेश का पालन नहीं किया है जिसमें तय समय पर रिसॉर्ट पहुंचने के लिए कहा गया था। यह सूचना सत्तारूढ़ पार्टी की चिंता जरूर बढ़ा सकती है। 10 जून को होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को कुछ कठिन सौदेबाजी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने पहले विधायकों को रिसॉर्ट तक पहुंचने के लिए शुक्रवार शाम की समय सीमा दी थी। अधिकांश विधायक वहां पहुंच भी गए, लेकिन कुछ ने दूरी बना रखी है। राजस्थान के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि सीएम बहुत बात करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वह बैठ जाए और इसके बजाय चिंता करे। गुड़ा 6 बसपा विधायकों के उस समूह का हिस्सा थे जो विधानसभा चुनाव परिणामों के 1 साल बाद 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही बीएसपी विधायकों की संख्या विधानसभा में 0 हो गई थी।
बसपा के कुछ अन्य विधायकों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच है कि उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। गुड़ा और अली के अलावा बसपा से कांग्रेसी बने और भी नेता अभी तक उदयपुर नहीं पहुंचे हैं। करौली के विधायक लखन सिंह तिजार, अलवर के विधायक संदीप कुमार बारी, धौलपुर के विधायक गिरिराज सिंह और बसोरी धौलपुर के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा भी नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव 2022 के पहले 11 राज्यों की पार्टी लाइनों के 41 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश से सपा के जावेद अली, रालोद के जयंत चौधरी और सपा समर्थित कपिल सिब्बल जीते हैं, तो भाजपा के पूर्व विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, पूर्व विधायक संगीता यादव, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के लक्ष्मण, पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह, विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र कुमार नागर राज्यसभा पहुंचे हैं। बिहार से आरजेडी से मीसा भारती, फैयाज अहमद, भाजपा के सतीश चंद्र दुबे और शंभु शरण पटेल, जेडीयू से खीरू महतो जीते हैं। आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के वी बीड़ा मस्तान राव, आर कृष्णैया और एस निरंजन रेड्डी, विजय साई रेड्डी राज्यसभा पहुंचे हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह सिचवाल और कारोबारी विक्रमजीत सिंह साहनी जीते हैं। तमिलनाडु से एआईएडीएमके सीवी षणमुगम और आर धर्मार, कांग्रेस से पी चिदंबरम और डीएमके से आर गिरिराजन, केआरएन राजेश कुमार और एस कल्याण सुंदरम जीते हैं। झारखंड से सिर्फ झामुमो से महुआ माझी और भाजपा से आदित्य साहू जीते हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदा और कांग्रेस से विजय तनखा राज्यसभा पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जीते हैं। वहीं उत्तराखंड से भाजपा की कल्पना सैनी जीती है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आज और आने वाले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से इन राज्यों में बारिश होगी। वहीं राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों और दिल्ली एनसीआर और दक्षिण हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। दरअसल एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर तटीय ओडिशा और इससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल और मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर बना हुआ है। इसके चलते असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 4 से 7 जून तक और 7 जून को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्मी रहेगी और लू चलेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर और दक्षिण हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लू चलेगी। दिल्ली में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। हैदराबाद की नाबालिग लड़की से रेप मामले में पुलिस ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी सादुद्दीन मलिक को कल ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान सादुद्दीन मलिक और उमर खान के रूप में हुई है, जबकि 3 अन्य नाबालिग है। पुलिस ने कहा है कि पीड़िता अपने एक मित्र के साथ एक पौश इलाके के पब में गई थी, जहां उसकी मुलाकात नाबालिग लड़कों के एक समूह से हुई। उन्होंने कहा कि लड़की का मित्र पब में रुक गया, जबकि वह किशोर लड़कों के साथ कार में चली गई। पुलिस ने बताया कि लड़की जब घर पहुंची तो उसके गले पर खरोच के निशान देखकर माता पिता ने उससे सवाल पूछा तो उसने कार में लड़कों की ओर से कथित दुर्व्यवहार करने की बात बताई। शुरू में यह दावा किया गया था कि अपराध एक लाल मर्सिडीज के अंदर हुआ था, जो एक विधायक की गाड़ी है। हालांकि पुलिस ने कहा कि अपराध एक अन्य वाहन इनोवा में हुआ। इस बीच भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने बयान जारी कर इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया है। इस मामले में 5 आरोपियों में 3 नाबालिग है। 2 की पहचान सादुद्दीन मलिक और उमर खान के रूप में हुई है। विधायक के नाबालिग बेटे को पकड़ने के प्रयास जारी है। एक अन्य नाबालिग आरोपी जीएचएमसी पार्षद का बेटा है। मदुरई में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक साइट पर खुदाई के दौरान एक 34 वर्षीय व्यक्ति 11 फीट गहरे खड्डे में गिर गया। उसके गिरने के बाद साथियों ने पुलिस या रेस्क्यू टीम को बुलाने की बजाय उसे खुद से निकालने का प्रयास किया। इस दौरान ड्रेनेज पाइप को खोदने के लिए चौड़ा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान शख्स की गर्दन कट गई और वह मर गया।
मामला ईरोड का है। सतीश उर्फ विरनन दोपहर करीब 3 बजे विलंगुड़ी के राममूर्ति नगर में 11 फीट गहरी खाई के ड्रेनेज पाइप में गिर गया। अग्निशमन और बचाव सेवाओं के एक अधिकारी ने कहा कि मदद के लिए बुलाने के बजाय घबराए हुए श्रमिकों ने खुदाई करने और उसे खोदने के लिए खुदाई का इस्तेमाल किया और इस दौरान उसका सिर कट गया। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए राहत की घोषणा की है। पुलिस ने साइट इंजीनियर सिकंदर, साइट सुपरवाइजर बालू और उत्खनन संचालक सुरेश को गिरफ्तार किया है। तीनों के ऊपर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गड्ढा भरने के लिए कुछ ही दूरी पर खुदाई का काम चल रहा था, इसी दौरान मिट्टी धस गई। वहां खड़ा सतीश भी गड्ढे में जा गिरा। आनन फानन में मौजूद श्रमिकों ने उसे निकालने के लिए जेसीबी और दूसरे खुदाई यंत्र का प्रयोग किया। इसी प्रक्रिया में सतीश की गर्दन कट गई। शाम करीब 5:30 बजे रस्सियों का उपयोग करके खून से सने सतीश के शव को बाहर निकाला। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब सऊदी अरब में महिलाएं न सिर्फ कार ड्राइव कर सकती है बल्कि वो मैकेनिक का काम भी कर सकती है। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया है और पुतिन को नसीहत दी है कि उन्हें इस युद्ध में कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकेगी। वही श्रीलंका को कर्ज देकर कंगाल बनाने के बाद अब चीन भारत के एक और अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तेजी से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यासीन मलिक के केस को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की तैयारी कर रहा है। तो उधर अमेरिका के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने थियानमेन नरसंहार की 33वीं बरसी पर एक बार फिर से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र की मांग और बहादुरी भरा कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हम मानवता का सम्मान करते हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार देश को मजहबी कट्टरता और धर्मांधता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगाने, स्कूलों में अलग अलग धर्मों की शिक्षा देने और महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने के बाद महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सऊदी अरब में सिर्फ 4 साल पहले महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई थी। 4 साल पहले तक सऊदी अरब में महिलाएं कार ड्राइव नहीं कर सकती थी, लेकिन अब सऊदी अरब में महिलाएं न सिर्फ कार ड्राइव कर सकती है बल्कि वो मैकेनिक का काम भी कर सकती है। सऊदी अरब में अब महिलाओं को कार गैरेज में बतौर मैकेनिक भी काम करने की इजाज़त दे दी गई है। आधुनिकता की दिशा में सऊदी अरब द्वारा बढ़ाया गया ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका स्वागत होना चाहिए। जेद्दा में आपको महिलाएं किसी गाड़ी को रिपेयर करती हुई बहुत आसानी से दिख जाएगी। अपने पुरुष साथियों के साथ महिला रंगरूट गाड़ियों की तेल की जांच करती है, टायर बदलती है, पंक्चर बनाती है, यानी हर वो काम करती है जो अब तक महिलाओं के लिए वर्जित था। महिलाओं का गैरेज में काम करना और लोगों के लिए उन्हें गैरेज में काम करते देखना फिलहाल इस रूढ़िवादी इस्लामिक देश के लिए आसान नहीं है, पर महिलाएं फिलहाल बहुत खुश है। यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ये युद्ध कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वहीं रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पूर्वी यूक्रेन के कई क्षेत्रों में अभी भी भीषण लड़ाई जारी है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया है और पुतिन को नसीहत दी है कि उन्हें इस युद्ध में कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकेगी। जेलेंस्की ने युद्ध के दौरान देश की स्थिति का वर्णन करते हुए और यूक्रेनी लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी के मशहूर कथन को याद किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि शक्ति डर के अभाव में निहित है, न कि शरीर की हड्डियों की ताकत में। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के एक और मशहूर वाक्य को दोहराया है और कहा कि पहले वो तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ाई करेंगे, लेकिन फिर तुम जीत जाओगे। जेलेंस्की ने कल भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन से मुलाकात की थी और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी के कथन का इस्तेमाल कर यूक्रेनी लोगों का हौसला बढ़ाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय दूतावास के फिर से खुलने का स्वागत किया और कहा यूक्रेन पिछले 100 दिनों से लड़ाई लड़ रहा है और इस दौरान मदद करने का सबसे आसान तरीका है उपस्थित होना। मैं उन सभी राजदूतों को धन्यवाद देता हूँ जो यथासंभव लंबे समय तक यूक्रेन में रहे और फिट लौट रहे हैं। कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में आई रुकावट से उबरने की कोशिश तो वैसे सभी देश कर रहे हैं, लेकिन छोटे देशों पर इसका काफ़ी खराब असर पड़ा है। वही कोविड महामारी को जन्म देने वाला चीन इस आपदा को अपने लिए फायदे में बदलने की कोशिश कर रहा है और उसकी सबसे ज़्यादा नज़र भारत के पड़ोसी देशों पर है। श्रीलंका को कर्ज देकर कंगाल बनाने के बाद अब चीन भारत के एक और अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तेजी से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है।
वह बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक सुधार के लिए खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि चीन जिस तरह से आर्थिक साझेदारी करता है वो मदद प्राप्तकर्ता देशों के लिए गले के फांस के तौर पर काम करता है। पिछले साल मेगा प्रोजेक्ट्स में धन के गबन का मामला सुर्खियों में आने के बाद बांग्लादेश के अधिकारियों ने चीनी सरकार को 3 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कर्ज लेने से इनकार कर दिया था। चीन बांग्लादेश को कर्ज देकर रेलवे समेत कई और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कर्ज देना चाहता था, लेकिन चीन का वो कर्ज बांग्लादेश के सरकारी अधिकारियों के पास पहुंच गया। इसके अलावा एक मजदूर की पिटाई के बाद इतनी स्थिति बिगड़ गई थी कि उसे बेकरगंज उपजिला स्वास्थ्य परिसर में भर्ती कराया गया था। यासीन मलिक के केस को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तथाकथित राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित करने और भारतीय अदालत द्वारा उन्हें उम्रकैद की सजा देने के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सहित और प्रासंगिक मंचों पर उठाने की बात कही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को उठाने की तत्काल जरूरत पर जोर देते हुए चौधरी ने कहा है कि सिर्फ 22 दिन शेष है, जिसके भीतर यासीन मलिक की दोष सिद्धि और मामले की समीक्षा के खिलाफ अपील अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ सीमाओं के कारण पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ अपील दायर नहीं कर सकती है। नियमों के अनुसार सिर्फ सदस्य देशों को ही अदालत में जाने और इसके साथ अपील दायर करने का अधिकार है। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि वह यासीन की जिंदगी को लेकर चिंतित है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को मामले को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना जरूरी है, क्योंकि JKLF नेता भारत के निवासी नहीं थे और उसे भारतीय कानून के तहत दंडित किया जा रहा है। पाठशाल 1989 में चीन में हजारों लोकतंत्र समर्थकों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन करना शुरू किया था और लोकतंत्र समर्थकों का हुजूम बढ़ता चला गया। ऐसा लगने लगा कि ये आंदोलन पूरी तरह से देश में फैल जाएगा, लिहाजा कम्युनिस्ट पार्टी अंदर तक दहल गई। लोकतंत्र समर्थक 100,000 से ज़्यादा छात्र चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित थियानमेन चौक पर जमा हुए थे और सरकार से देश में लोकतंत्र बहाल करने की मांग करने लगे थे। देखते ही देखते यह मार्च एक हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। कहते हैं कि चीन की सेना छात्रों पर टैंक तक चढ़ाने से पीछे नहीं हटी थी, तब से हर वर्ष उनकी याद में यह दिन मनाया जाता है, लेकिन चीन को यह नागवार गुजरता है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने थियानमेन नरसंहार की 33वीं बरसी पर एक बार फिर से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र की मांग और बहादुरी भरा कदम बढ़ाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि थियानमेन स्मारकों को हटाकर इतिहास के निशान हटाने की कोशिश की गई है। अमेरिका हटाए गए प्रदर्शनकारियों की स्मृति का सम्मान करता है और मानवाधिकारों को बरकरार रखने की बात करता है। भले ही कुछ लोगों द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है और उसके खिलाफ धमकी दी जाती है, लेकिन हम मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देकर उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए BKB News। नमस्कार।